प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राजस्थान में धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध करौली नगरी राम भक्ति के रंग में 7 जनवरी के दिन ही रंग गई। मौका था अयोध्या नरेश श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकलने वाली प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा का। धार्मिक नगरी में निकलने वाली यह भव्य शोभा यात्रा इतनी विशाल और ऐतिहासिक थी कि मानो हर व्यक्ति के रोम रोम में एक बार तो प्रभु श्री राम ही छा गए। राम जी की इस विशाल शोभा यात्रा को देखने के लिए पूरा शहर मानो थम सा गया हो। इस भव्य शोभा यात्रा का दृश्य देखने के लिए पूरे शहर के लोग दिन भर ही छतों पर नजर आए। करौली के इतिहास में पहली बार निकलने वाली यह शोभा यात्रा इतनी विशाल थी कि एक बार तो जो व्यक्ति जहाँ पर भी था वहीं पर करीब 2 घंटे के लिए ठहर गया। इतिहास में पहली बार निकलने वाली प्रभु श्री राम की इस शोभा यात्रा में 11,000 से ज्यादा महिलाएं राम जी का अक्षय कलश अपने सिर पर धारण करके पंक्तिवत रूप से चल रही थी। 11,000 महिलाओं को एक साथ कलश लेकर चलते देख हर व्यक्ति के मन में राम भक्ति जाग उठी और पूरे शहर में राम ही राम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। शोभा यात्रा में खास इरा तो एक तो इतनी बड़ी संख्या में और 3600 कौम हर जाति बिरादरी का इसमें समावेश था। सब लोग मिलजुल के और अपने आप लोग ये सब कर रहे थे, ये व्यवस्था बनाई।